नमस्कार, अवध न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। निर्माण से अब तक नहीं खुला पीएचसी का ताला, ग्रामीणों को नहीं मिल रही स्वास्थ्य सुविधाएं। जनपद मुख्यालय से सुदूर बसा विकास क्षेत्र रामपुर मथुरा के ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत गुआहडीह को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लाखों रुपए खर्च कर पीएचसी भवन बनाया गया था, जो कि आज पीएचसी भवन उपेक्षा का शिकार हो रहा है। बिल्डिंग बने दशक गुजर गए हैं, लेकिन इलाज के लिए आज भी इलाके के लोगों को रामपुर मथुरा या जिला मुख्यालय का रुख करना पड़ता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिम्मेदार अधिकारियों को लोगों की समस्या दिख नहीं रही, या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंख बंद किए हुए हैं। अगर यह पीएचसी चालू करवा दी जाए तो गुआडीह, चिमलाई, बोधेपुरवा, बरुई, बरुआ आदि दर्जनों गांव समेत लगभग 3000 आबादी को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिससे ग्रामीणों को समय व रुपयों की बचत होगी और ग्रामीण प्राइवेट अस्पतालों की मार से बच सकेंगे। कम से कम 20 साल होगा ये। कभी चालू हुआ कि नहीं चालू हुआ? नहीं चालू हुआ। अच्छा, कभी नहीं चालू हुआ। तो आप लोगों को कोई समस्या होती तो कहाँ जाते हैं? अब बहादुरगंज जाए कि फतेहपुर जाए। अच्छा, तो कितनी दूर पड़ता है? तो काफ़ी दूर पड़ता है। बहादुरगंज तो है कोसी रोड को, रामपुर मथुरा, रामोपुर जाए थे। अब हमारी तबीयत खराब। अगर ये खुल जाए तो कितनी आबादी को फायदा होगा? अगर यहाँ चालू हो जाए तो कितनी आबादी को फायदा होगा? देखो, पक्का लाभ मिली को हमें ठहरों मिली। 3 साल से नहीं खुला नहीं है। हाँ। और एक आधे डॉक्टर यहाँ आ जाए तो हमका सबका लाभ मिल जाए। हम काहे रामपुर लखनऊ दौड़ दौड़ जाए। अच्छा, ये कभी नहीं खुला? ये कब खुला? कोई बैठे बह रहा है। अगर ये चालू हो जाए तो कितनी आबादी को लाभ मिलेगा? अरे करीब करीब नहीं ज्यादा तो 1000-1500 आबादी तो है नहीं है। अच्छा, इन सबको जब जरूरत पड़ती तो कहाँ जाते हैं? सब रामपुर जाते हैं। कितनी दूरी पड़ती है? अरे रामपुर है यहाँ से 10 किलोमीटर। तो ये कभी खुला कि नहीं खुला? कभी नहीं खुला। अच्छा, तो आपको जब कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कहाँ जाते हैं? रामपुर मथुरा। अच्छा, अगर यहाँ ये चालू हो जाए तो कितनी आबादी को लाभ मिलेगा? अरे मिल जाएगी 1400-1500 आबादी का लाभ। अच्छा,